जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो आईए पे परपेंडिकुलर आएगी। आईए वन एक्सेस, ठीक है। अब इससे अगर जोड़ दिया जाए ओरिजिन को तो ये बन जाता है ई एफ वन, और कितने एंगल पे, डेल्टा वन। अब ईएमएफ साइन डेल्टा ये भी कांस्टेंट रखना है, तो डेल्टा जब वर्टिकल से एंगल है तो साइन डेल्टा माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हमें फिक्स रखना है, ईएफ साइन डेल्टा। यानी जो ईएमएफ का फेजर है वो इस वर्टिकल लाइन पे ही लाई करना चाहिए। तो अगला ईएमएफ मैं बना देता हूं, बस ये ध्यान रखना कि लोकस ऐसा रहे कि टिप इसी लाइन पे लाई करे। तो ये लेंथ हो गई आईए टू एक्सेस। अगर आईए टू एक्सेस हॉरिजॉन्टल है और हम ये जानते हैं आईए एक्सेस आईए पे परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजॉन्टल किस पे परपेंडिकुलर है, वर्टिकल पे। तो ये आ गया आईए टू। ऐसे तीसरा ईएमएफ मैं बना लेता हूं, ठीक है। तीसरा ईएमएफ अब मैं बना लेता हूं यहां पर, तो ये जो लेंथ आएगी ये हो गई आईए थ्री एक्सेस और ये है ईएफ थ्री। अब इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो आईए थ्री यहां आ जाएगा, यानी लीडिंग में ये एंगल फाइव थ्री, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमने फेजर डायग्राम बनाया था ना जब वी कर्व की बात की थी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि आई एफ बढ़ाते हुए सबसे कम आई एफ किसका, जिसका सबसे कम ई एम एफ। तो सबसे कम ई एम एफ की लेंथ है थ्री वाली। फेजर डायग्राम अगर देखोगे थ्री से बड़ी लेंथ है टू की, टू से बड़ी लेंथ है वन की। यानी जब फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट पे देखो क्या फर्क पड़ रहा है, थ्री के मुकाबले टू छोटा है और वन बड़ा है। तो आइए फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, यही तो वी कर्व का शेप होता है भाई, कि वी कर्व में करंट पहले घटता है और बाद में करंट बढ़ता है। पावर फैक्टर की बात कर लो, पावर फैक्टर पहले लीडिंग था फिर यूनिटी गया फिर लैगिंग, तो लीडिंग से यूनिटी, यूनिटी से लैगिंग, यानी कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। और अगर पावर एंगल डेल्टा की बात करें, डेल्टा देखो EF3 का सबसे बड़ा है, फिर EF2, फिर EF1, यानी जो टिल्टिंग है EMF का एंगल VT के रेस्पेक्ट में, देखो 3 वाला सबसे ज्यादा, 2 वाला कम, 1 वाला कम। तो डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1, तो डेल्टा रिड्यूसेस। और ये तो ऐसे भी देख सकते हो ना, ईएमएफ साइन डेल्टा कांस्टेंट है, ईएमएफ अगर बढ़ेगा तो डेल्टा कम होना चाहिए तभी ईएफ साइन डेल्टा कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग यहां पे डिस्कवर कर सकते हैं कि किस तरह से पावर फैक्टर वैरी हो रहा है, किस तरह से आर्मेचर करंट वैरी हो रहा है, किस तरह से पावर एंगल भी वैरी हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, व्हाइल एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर पैरेलल टू इनफाइनाइट बस बार वी कैन मेक यूज ऑफ वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व, क्योंकि ये सेम केस बन रहा है जो हमने वी कर्व के अंदर स्टडी किया था। तो अगला केस क्या होता है, अगला चेंज क्या होता है, अगला लिखना इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट। अब इसमें लिखना इफ द स्टीम इनपुट एट प्राइम मूवर और टर्बाइन ऑफ द ऑल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड
we will assume that the field current or excitation remains constant. जब स्टीम इनपुट के चेंज की बात कर रहे हो तब एक्साइटेशन को क्या मान के चलोगे? कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो अब की बार ई एफ कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन क्या याद रखोगे कि इसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहेगा. डेल्टा को सिंक्रोनस में कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते, डेल्टा हमेशा वेरिएबल रहता है. अब देखो पावर होती है ई एफ वी टी बाय एक्सेस साइन डेल्टा. अब इसमें ई एफ कॉन्स्टेंट है, वी टी फ्रीक्वेंसी ये दोनों भी कॉन्स्टेंट हैं. क्यों? ड्यू टू इनफाइनाइट बस बार. तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा. तो अगर स्टीम इनपुट बढ़ाते हो या पावर बढ़ाते हो डेल्टा बढ़ता है. ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखना, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा. सो एज द स्टीम इनपुट ऑफ अल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड, डेल्टा कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस. अब देखो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा. अगेन वी टी फिक्स है इनफाइनाइट बस की वजह से, तो पहले वी टी बना लो, फिर आई ए इससे लैगिंग होगा, आई ए वन एट एन एंगल फाइ वन. अब ई एम एफ बनाने का तरीका क्या होता है? ई एफ होता है वी टी प्लस जे आई ए एक्सेस, यानी आई ए के साथ जे मल्टीप्लाई करना है. जे मल्टीप्लाई करने का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करना है. तो ये लेंथ हुई आई ए वन एक्सेस. ठीक है, तो ये आ गया ई एफ वन. अब हम क्या जानते हैं, हमें इसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रखना है. मैग्नीट्यूड ई एम एफ का क्या होता है? लेंथ ऑफ द फेजर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, यानी इस फेजर की लेंथ सेम रखनी है भले ही इसका एंगल बदलता रहे. तो इसमें लिखना, सिंस मॉड ई एफ इज कॉन्स्टेंट द लेंथ ऑफ ई एम एफ फेजर शुड बी केप्ट सेम इवन दो द एंगल डेल्टा में चेंज. डेल्टा बदलते रहो बट ई एम एफ की लेंथ को सेम रखो. अब अगला पॉइंट लिखो, टेक अ कंपास एंड मेक रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ ई एफ एंड ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट ओरिजिन. इसका मतलब एक कंपास लो और इतना रेडियस उसके अंदर भर लो, फिर कंपास का सेंटर यहां रखते हुए एक आर्क बना लो. आर्क कितने रेडियस की? ई एफ रेडियस की. यह आर्क बन गई. अब ई एम एफ का फेजर इसी आर्क पे लाई करना चाहिए. ये हो गया ई एम एफ का लोकस. क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम रहना चाहिए. ठीक है, जैसे देखो ये हमने लिया ई एफ टू, ये आ गया आई ए टू एक्सेस. ठीक है, ऐसे ही तीसरा ले लो ई एफ थ्री आई ए थ्री एक्सेस. अब देखो ई एफ वन से ई एफ टू और ई एफ थ्री जाते हुए डेल्टा लगातार बढ़ रहा है. हम क्या जानते हैं, डेल्टा थ्री इज ग्रेटर देन डेल्टा टू इज ग्रेटर देन डेल्टा वन. पावर साइन डेल्टा के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1. पावर बढ़ रही है. पावर बढ़ते बढ़ते ये बताओ आर्मेचर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आर्मेचर करंट पे अगर ध्यान दोगे, ये आई ए इंटू एक्सेस की लेंथ देखो जरा, आई ए इंटू एक्सेस की लेंथ बढ़ रही है. ये कह सकते हो आई ए थ्री एक्सेस
is greater than IA2XS is greater than IA1XS. XS तो सब में कॉमन है, तो ऐसा भी कह सकते हो कि आर्मेचर करंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो आर्मेचर करंट लगातार बढ़ रहा है। अब बात करें पावर फैक्टर की, तो देखो IA जो है IA एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है, तो IA2 यहां आना चाहिए क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है IA2 एक्सेस, और IA3 कहीं यहां आना चाहिए। तो पावर फैक्टर अगर देखोगे पहले लैगिंग था, फिर यूनिटी पे गया और फिर लीडिंग पे गया, तो पावर फैक्टर पहले लैग आया, फिर यूनिटी पे गया और फिर लीडिंग पे गया। लैग से यूनिटी पे जाते हुए पहले इंक्रीज हुआ, यूनिटी से लीड जाते हुए ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो, एज द स्टीम इनपुट टू एन अल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड, पावर एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एंड आर्मेचर करंट आल्सो कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, बट द पावर फैक्टर गोज फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग वाया यूनिटी, सो पावर फैक्टर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है। पावर फैक्टर का कुछ ऐसा सिस्टम रहने वाला है, बात क्लियर है? तो ये क्लियर हुआ ना कि इसमें स्टीम इनपुट का चेंज और एक्साइटेशन के चेंज को कैसे विजुअलाइज करना है। स्टीम इनपुट के चेंज में मॉड ऑफ ईएफ कांस्टेंट रखोगे, एक्साइटेशन के चेंज में पावर को कांस्टेंट रखोगे। एक्साइटेशन के चेंज में डायरेक्टली वी कर्व का यूज हो जाता है, और स्टीम इनपुट के चेंज में उसमें भी वी कर्व का यूज तो कर सकते हो। कैसे? कि वी कर्व में मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि पावर बढ़ने से वी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं और इन्वर्टेड वी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो सेम ही तो चीज यहां करनी है कि यहां फील्ड करंट फिक्स रखना है।